अगली बार फिर मेहनत करना आएंगे। देखो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि सर यूपी टेट रद्द हो गया, मुझे पता है रद्द हो गया, सबके लिए रद्द हुआ है, बट एक चीज आपको और याद रखनी चाहिए कि आपने अगर कायदे से मेहनत करी है तो अगली बार आप जितना इस बार स्कोर करते। बहुत सारे बच्चे बोले सर मेरे 110 स्कोर हो गया, 115 हो गया था, अच्छी बात है, बट ये बात याद रखो आपको एक महीना और मिल गया है और इसमें आप अपनी जो भी तैयारी थी ना आप उसको और इंप्रूव कर सकते हो। जब सोचो आपने इतनी तैयारी करी तब 110 आए, अब जब आप तैयारी करोगे तो आप ऊपर ही जाओगे। तो कभी भी पड़ी हुई चीज व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, ये बात आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी ना, एक जो था पत्थर तोड़ रहा था लड़का, ठीक है, उसने 99 चोट मारी, हथौड़े से पत्थर नहीं टूटा, 100वीं चोट पर पत्थर टूट गया पूरी तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं है उसने जो 99 बार प्रयास किया वो असफल रहा, मतलब व्यर्थ काटा, ऐसा नहीं है। पत्थर 100वें प्रयास पर टूटा, कहीं ना कहीं वो 99 बार हथौड़ा चलाना उसके लिए सीढ़ी बनाने का काम किया था। तो यही आप भी सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि मृतकों का टीला कैसे कहते हैं, तो अच्छा